बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ और आपको डॉलर का और रियाल का रेट से अपडेट कर दूंगा। मैं एक पिछले पिछले कुछ दिनों से आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, साथ में तबीयत नासाज है, ये भी आपको बता रहा हूँ। अभी भी कुछ ऐसा ही मामला है, 6-7 दिन हो गए, आज कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ मैं। आप एक चीज़ ये देख लें, ये मैंने ली हुई है स्टेप सेल्स डब्बी ली हुई है, इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन ली हैं, अभी कुछ बेहतर फील कर रहा हूँ। बहर आज के डॉलर और रियाल के मुतलक बात कर लेंगे जी। हंडाई वगैरह के थ्रू पैसे मत भेजें भाई, अभी रेट काफ़ी आपको ये कम दे रखे हैं, 3-3.5 रुपए का फ़र्क डाल रहे हैं। अगर आप 1,000 भेज रहे हैं तो आपसे 4-3, 3500-4,000 जायद खा रखे हैं। किसी दोस्त को बोल कर बैंक से भेज दें, वो बेस्ट है जी, ठीक है। अगर डॉलर रेट के मुतलक पहले आपको बता दूं, मैं डॉलर रेट के मुतलक बात करें तो 178 रुपए 19 पैसे हो चुका है जी आज का डॉलर रेट, जो कि रोज़ बरोज ऊपर ही जा रहा है, 2-4-5 पैसे रोज़ बढ़ ही रहा है। और अगर रियाल रेट के मुतलक बात करें तो एक्सचेंज रेट इस वक्त भाई 47-51 यानी कि 47.5 चल रहा है, लेकिन बैंकों के टैक्स वगैरह होते हैं कुछ, यानी कि अगर हम राजी या इंजाज वगैरह की या फौरी बैंक की बात करें तो वहाँ पर 47+ में रेट चल रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूँ आपके साथ, जब आप पैसे भेजने जाते हैं उस टाइम बैंक की फ़ीस भी होती है, 10 रियाल 23 रियाल 26 रियाल, तो वो जब आप पैसे भेजकर हिसाब करते हैं वो देख लें आपके 10 रियाल फीस कटी है या पहले उनसे पूछ लें, तो वो अकाउंट का और अकाउंट के बगैर आप जो नाम के ऊपर भेजते हैं उसका हिसाब होता है, वो उनसे पूछ लें। उसके बाद वो पैसे अगर आपने 2000 भेजा है ना, 2000 से माइनस करके बाकी जो पैसे हैं उनको ज़रा देख